महेश शेफ फैसल तानी सुप्रिया कुकिंग शो में सब खैर हूँ जो रेसिपीज चाहूँ पाया ईवा कुकिंग ऑयल से गुड विटामिन ए एंड डी का भरपूर कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल कंट्रोल तमाम बेहतरीन कुकिंग ऑयल बनस्पति घी भी तमाम सुन में ओमेगा थ्री मौजूद है जो तुम्हारी हार्ट डिजीज ला जॉइंट्स पेन कोलेस्ट्रॉल तमाम बेहतरीन है। ईवा कनोला कुकिंग ऑयल एंड सनफ्लावर कुकिंग ऑयल हर जगह अवेलेबल है नई पैकिंग में। अज में ठाया पे लजानिया अनम जी काफ़ी दिन का फरमाइश हुई लजानिया ठाण सिखारो लसानिया पतीले में भी ठाई है लेकिन और जो ओरिजिनल लजानिया बेक थी है अगर तुम ओवन है तो तुटो लजानिया ठही वो चिकन में ठाईदी बीफ में भी ठे तो मटन में भी ठे तो ईजी रेसिपी है लजानिया की उन से गुड डाढ़ू जी अनार जो शरबत ठाण सिखा पे जूस अनार जो सीजन है काफ़ी दिन मुझे चो कि अनार जो शरबत ठाण सिखारो तो ये रेसिपीज नोट कजो सुबह जो 12 बजे रिपीट हल्द है कुकिंग विद शेफ एसएम जो पेज है उतने रेसिपी अपलोड थी स्क्रीन से नंबर हल्ले पे कॉल कर पूछी सोता। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं ईवा कुकिंग ऑयल के साथ बनाएंगे ईवा बनस्पति घी ईवा कनोला कुकिंग ऑयल ईवा सनफ्लावर कुकिंग ऑयल नई पैकिंग में दस्तियाब है। आज हम बना रहे हैं लजानिया लजानिया बेक करेंगे लजानिया पतीने में बनता है बेक होता है लेकिन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है ओवन में। मैं चिकन में बना रहा हूँ बीफ और मटन में बना सकती हैं उसके साथ ड्रिंक बना रहा हूँ अनार का शरबत बना रहा हूँ बिल्कुल ईजी वे में। अनार का सीज़न है आप लें इसके ड्रिंक्स बनाएं मज़ेदार काफ़ी सारे ड्रिंक्स हैं और भी इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा। 12 बजे सुबह रिपीट चलता है कुकिंग विद शेफ एसएम मेरा पेज में रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सन टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पर या फिर सर्च करें कुकिंग विद फैसल यूट्यूब पर आपको मेरी तमाम प्रीवियस वीडियोज़ मिल जाएंगी और स्क्रीन पर नंबर चल रहा है कॉल करके पूछ सकते हैं कोई फरमाइश कर सकते हैं। और स्ट्रिप्स जो होती हैं लजानिया की ये इजीली मिल जाती हैं ठीक है। ब्रेड का भी लजानिया बनता है वो भी इंशाल्लाह जल्द बनाना सिखाऊंगा। आज हम बना रहे हैं स्ट्रिप्स जो हैं लजानिया की वो पैकेट मिल जाता है तो पानी इसके लिए हम करेंगे बॉयल ठीक है। इतने पानी बॉयल थी लजानिया जी पट्टियों मिलंदियों हैं जी स्पैगेटी मिलंदी है नूडल्स मिलंदा है उन्हीं तरीके से लजानिया जो पट्टियों मिलंदियों हैं पानी बॉयल कंदासी लूण वगैरह इनमें कुछ न विझणो ठीक है। इन टाइप जो ये पट्टियों मिलंदियों हैं 14 पट्टियों में तकरीबन हमें 12 का 14 पट्टियों यूज़ किया पे पूरो पैकेट में वधीक होंगे अगर पूरो पैकेट ठाए के वधीक करे भी ठाई सको तो ठीक है। इन तरीके जो डिज़ाइन जो मिलंदियों इनमें प्लेन भी मिलंदियों इन जो साइड्स ठहल लजानिया जी 3-4 शेप्स इंदियों ठीक है। लजानिया की पट्टियाँ 4-5 शेप में मिलती हैं प्लेन स्ट्रिप्स में मिलती हैं ये थोड़ी डिज़ाइन वाली हैं साइड्स बने में इस तरह की स्ट्रिप्स ले लें जब पानी में बॉयलिंग आने लगेगी तो ये पट्टियाँ उठा के हम इसमें डालेंगे। लेकिन पट्टियों का मैं ये बता दूं कि आपने मेजरमेंट करके यूज़ करनी है जैसे मैं इस वाले मोल्ड में बना रहा हूँ ठीक है। पायरेक्स की डिश में भी बना सकती हैं और ये जैसे बेकिंग का ट्रे होता है स्क्वायर में इसमें भी आप बना सकती हैं तो मैंने इसके हिसाब से उठाई हैं तो यूँ रख के आप देख लें कि कितनी आ रही हैं ठीक है। इसमें 4-4 की लेयर आ रही है ठीक है। इन तरीके से जितरो तुम सांचो हो जाए उन हिसाब से मापे तुम ठाई मुँह इनमें 4-4, 8-4, 12 लेयर्स 3 लेयर्स इंदियों तब 12 पट्टियों यूज़ किया पे अगर तुम वो प्यालो है वो बॉल है तो तुम उनमें सको तो एक दबे में तकरीबन 18-20 पट्टियों होंगे ठीक है। 120-130 रुपये जो दबो मिलो एडो महंगो न तो मिले प्राइस इनके बुधाई ताकि तुम ये ना समझो लजानिया पट्टियों महंगी ठीक है। जो भी मोल्ड आप यूज़ करी पायरेक्स की डिश करी या ये इस तरह का सिल्वर का मोल्ड ले रही हैं स्क्वायर में तो इसमें पहले आपने नाप लेनी है कितनी लेयर में आ रही हैं 4 आ रही 5 आ रही फर्स्ट लेयर में फिर उसके बाद एक लेयर आएगी फिर आएगी उतनी आपने बॉयल करनी है कि कम ना पड़े ठीक है। इसको हम गर्म पानी में डाल देंगे ये भी 7-8 मिनट में बॉयल हो जाती है जिस तरह हमारे स्पेगेटीज बॉयल करते हैं ठीक है। ये इस तरह पानी में डिप करते जाएँ थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाएंगी फिर हम इसे निकाल देंगे 7-8 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे ठीक है। ये पट्टियों में विझी छड़ियो ये हाँ बॉयल थी फॉरन इनमें चमचो न हलाइज टुटी वो थोड़ी नरम थियन तो इनके कटासी ठीक है। हल्का सा इस तरह डिप कर दें ताकि पानी में चली जाए सॉफ्ट हो जाए थोड़ी देर में ये हो जाएंगी स्पून ज़्यादा ना चलाएं फिर टूट जाती हार्ड होती जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम इसे निकाल देंगे 7 मिनट 6 मिनट 7 मिनट में ठीक है। लजानिया बन रहा है इसके लिए हमने क्या करना है चिकन बनाना है कीमा 1/2 किलो जितना हमने कीमा ले लेना है ठीक है। 1/2 किलो के करीब 500 ग्राम कीमो चिकन जो बीफ जो भी खड़ी सको था गहूँ जो आई बकरे जो भी खड़ी सको था लेकिन चिकन में इजी वे में ठही तो नहीं चिकन हर कोई शौक से खाई दो बाज मानू वो गोश न था खाएं तो इन करें मैं चिकन में ठाए पे ठीक है। चिकन में मैं ये बना रहा हूँ तो इसके लिए अच्छा जब इसमें बॉयलिंग आने लगे
एक मिनट के बाद आप हल्का सा इसमें स्पून चला दें ताकि चिपके ना, बहुत ज़्यादा ज़ोर से स्पून ना चलाएं, ये टूट भी सकती है। ठीक है, इसको बॉयल होने दें, 7 से 8 मिनट में बॉयल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चिकन की करते हैं तैयारी। चिकन कीमा बनेगा, हिन लाइ असांखे खपे ईवा कुकिंग ऑयल। ठीक है, ईवा कुकिंग ऑयल के तो खणबो 4 खंड जा चमचा, 4 टेबल स्पून ईवा कुकिंग ऑयल। ठीक है, 4 टेबल स्पून ईवा सनफ्लावर कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको गर्म करेंगे। इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, प्याज। बसर विझंदा सी केतिरो, बसर 2 गंढ खण जो दरमियानी साइज़ जी, ऑमलेट वांगर चॉप करे छॾिजो। ठीक है, 2 अदद प्याज ऑमलेट की तरह चॉप करेंगे, ये आपने इसमें डालनी है। और टमाटर भी इसमें ऑमलेट की तरह चॉप करके डाला जाएगा। 2 खाने के चम्मच प्याज ऑमलेट की तरह फाइन चॉप किया हुआ, ये चला गया। प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ठीक है, ऑमलेट वांगर चॉप थियल अनम तांजी फरमाइश हुई ताज पूरी थी पई, इनके प्लीज़ नोट करे वठो, तो बाद में रिपीट कराएं नहीं ठाण बार बार मुश्किल थी थोड़ा। हाँ, पट्टियों नरम थियन पे तो ही अंदर जी साइड हली वही, अन्ना इनमें टाइम लगा, 7 से 8 मिनट लगा। ठीक है, 7 से 8 मिनट लगेंगे, पानी ज़्यादा होना चाहिए ताकि स्ट्रिप्स जो हैं लजानिया की ये अच्छी सी बॉयल हो जाए। पानी कम होगा तो क्या होगा, जलना शुरू हो जाएंगे, नीचे चिपकना शुरू हो जाएंगे, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है अपने। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्याज लाइट सा गोल्डन फ्राई होगा, फिर इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। 4 खाने के चम्मच मैंने डाला ईवा सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, और इसके साथ मैंने इसमें क्या डाला है, इसमें प्याज डालने 2 अदद बिल्कुल ऑमलेट की तरह चॉप किए हुए प्याज, इसको लाइट सा गोल्डन कलर में फ्राई करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, अदरक थूम जो पेस्ट 2 खंड जा चमचा। अच्छा, बसर के गाढ़ो नए करो। ठीक है, टमाटा विंदा इनमें 2 अदद टमाटा ऑमलेट वांगर चॉप थियल। ठीक है, 2 अदद टमाटा ऑमलेट की तरह चॉप किए, और इसको मैं पलटा रहा हूँ। जब ये बॉयल हो रही है अच्छी से, इसको टूटे ना, बस इस तरह आपने बॉयल करना है कि इसकी स्ट्रिप्स टूटे ना, निकाल के फिर हमने इसको ठंडे पानी में डिप कर देना है। ठीक है, जब तक आपने कीमा बनाना है, सॉस बनाना है, तब तक इसको आपने डिप रखना है ठंडे पानी में। इससे क्या होगा, ये चिपकेंगी नहीं अगर ठंडे पानी में, सादे पानी में सॉरी, वरना ये आपस में चिपकना शुरू हो जाती है। नहीं, ठीक है, इसको हमने हल्का सा और फ्राई करना है, लाइट सा कलर चेंज हो जाए, ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाए, और पानी जो इसका है वो ड्राई होना शुरू हो जाए। ठीक है, बसर जो पानी खुश्क थियण लगे आई, जो कलर जो है लाइट सा गोल्डन थे, वधिक ब्राउन ना करो। ठीक है, अच्छी तरह अब क्या करेंगे, एक डिश में पानी डाल देंगे, कोई भी एक डिश ले लें, उसमें पानी डाल दिया मैंने, और ये जो स्ट्रिप्स हैं ये निकाल के हमने पानी में डिप कर ली, क्योंकि इससे क्या होगा, ये चिपकेंगी नहीं। ठीक है, पानी बड़ा एक प्याला कोई ऐसा ले लें जिसमें हम फिर ये स्ट्रिप्स निकालेंगे, मैं फ़िलहाल यहाँ पे रख रहा हूँ। जी कॉल बैठ होता, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं फैसल भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, आप शाहिदा बात कर रही हैं? नहीं, मैं नसीम बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। आज क्या बना रहे हैं? लज़ानिया बना रहा हूँ आज। अच्छा, लज़ानिया चिकन या बीफ? जी चिकन लज़ानिया या बीफ? चिकन, चिकन में बना रहा हूँ। अच्छा, तो फिश आप कब बनाएंगे? फिश इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, फिश का सालन भी है और फिश के कोफ्ते भी बनाऊंगा और फिश फ्राई भी करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ठीक है, मैं बस वही मैं इंतजार कर रही थी। नहीं इंशाल्लाह, मैं तीनों चीजें एक साथ ही दो दिन में तीनों चीजें निकाल दूंगा, ताकि इसकी फरमाइश बहुत आ रही है और सीजन भी अब आ गया फिश का। ठीक है, और कल तो आपका लाइव नहीं आ रहा था? हाँ जी, कल मैं थोड़ा बिजी था, आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, तो इसलिए लाइव नहीं हुआ। इंशाल्लाह अब कंटिन्यू रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने प्याज लाइट सा गोल्डन कलर में आ गया, 2 टेबल स्पून भर के डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 खंड जा चमचा भरी हुई जनजाति अदरक थूंजो पेस्ट। ठीक है, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भर के डालना है, इसको हल्का सा फ्राई करें, अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। उसके बाद हम डाल देंगे टमाटर 2 अदद ऑमलेट की तरह चॉप किया हुआ, 2 अदद ऑमलेट की तरह चॉप किया हुआ टमाटर चला गया, इसको थोड़ा भूने। चिकन का कीमा 10 मिनट में तैयार हो जाता है, इसलिए अच्छा बीफ में बनाएंगी तो बीफ का कीमा जो है वो पहले आपने प्याज गोल्डन करके, लाइट गोल्डन करके अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, फिर बीफ का कीमा आधा किलो मशीन का डाल दें,
उसके बाद इसको 5 मिनट तक भूनें, फिर एक गिलास से कम या डेढ़ कप जितना पानी डाल के हल्की आंच पे रख दें। जब कीमा बिल्कुल गल जाएगा उसके बाद आपने टमाटर डालने, ठीक है। गऊँ जो या बकरे जो कीमो यूज़ कंदो त हुन लाइ तव्हां छा कंदो, पहिरीं बसर लाइट कलर में गुलाबी कंदो, हुन खां पोइ तव्हां छा कंदो हिनमें अदरक थूम जो पेस्ट विझंदो, हुन खां पोइ तव्हां छा कंदो कीमो विझंदो, कीमो विझी हुनखे 2-4 मिंट ताईं भुञणो आहे, हुनखां पोइ 1.5 कप पाणी विझी हल्की बाहि ते कीमो ॻरण लाइ रखी छॾंदो, गोश्त ॻरी वेंदो सफ़ा कीमे जो, हुन खां पोइ तव्हां हिन में टमाटा विझंदो। लेकिन हिते चिकन यूज़ कयां पियो त हिन करे टमाटा मूं पहिरीं एड कया आहिनि, ठीकु आहे। टमाटर अच्छे से नरम हो जाए और भुनाई भी हो जाए, जब तक हम क्या करते हैं स्ट्रिप्स को निकाल लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल आराम से निकाल के इसको पानी में डालना है, फूटे ना, हाथ भी ना जले, आराम से निकाल के मैंने इसको पानी में डिप कर दिया, ठीक है। पानी में डिप करने का छा दें दो कि ताजी स्ट्रिप्स टुटन दियो ना, मे भी एक बार टुटी भी पवन तो ख्याल से इनके कट जो इस तरह। जी फरजाना शाकिर है हमारे साथ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैसल, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, कल तो आप आए नहीं जी, कल तो आपका शो ही नहीं हुआ। हाँ कल मैं खुद नहीं आया, मैंने छुट्टी मारी थी। अच्छा, और फैसल आपसे बात कर सकती हूँ मैं? बिल्कुल करें। अच्छा, वो उनका पता चला शेख ताहिर का? जी 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 जी, ताहिर भाई का मुझे पता चला, शेफ का। जी जी, उनका बहुत अफसोस हुआ। बिल्कुल, तो मैंने कहा मैं पूछूं, पता नहीं आपको पता है नहीं पता है। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छे, मेरी बहुत अच्छी उनसे सलाम दुआ थी, मुझे बहुत अफसोस हुआ सुन के। मुझे भी बहुत अफसोस है, उनको बस अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। अच्छा, आप बना रहे हैं लज़ानिया, ये सॉस के साथ बनाएंगे? मैं बीफ के चिकन के साथ बना रहा हूँ। नहीं नहीं, चिकन के साथ मतलब व्हाइट सॉस बनाएंगे ना? जी जी, व्हाइट सॉस बनाऊंगा अभी। अच्छा अच्छा, ये मैं जरूर ट्राई करूंगी, एक आध दिन में जरूर बनाऊंगी। जी जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और पूरी टीम को मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत सफल रहे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे हमने कीमे को भूनना है, ठीक है, अच्छी तरह इसकी भुनाई करें 4-5 मिनट तक, चंगी तरह के भुंजणो है। ऑयल इनमें बस सिर्फ 4 टेबल स्पून विझण खपे वधीक ना, ठीक है। बीफ था तो आपने उसमें पहले पानी के साथ गला लेना है, लेकिन इसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं डालना है पानी वगैरह, इसको हमने टमाटर के साथ, टमाटर गल जाए तो उसमें ही भून लेंगे, कीमा जो चिकन का होता है जल्दी हो जाता है। अब हम इसमें क्या डालेंगे जी, मैं चूल्हा हल्का करके, अभी इसमें स्पाइसेस नहीं डाल रहा हूँ, ब्रेक का टाइम आ रहा है, ब्रेक के बनूँ तब ब्रेक का पूछे रेसिपी कंटिन्यू कर रहा। ब्रेक के बनाने का पहली तव्हां साम्हूं जेका रेसिपी ठाहिण पर ईवा कुकिंग ऑयल सां गॾु वाइटमिन ए ऐं डी खां भरपूर, कोलेस्ट्रोल खे कंदो आहे कंट्रोल, ओमेगा 3 में मौजूदु आहे, ईवा सनफ्लावर, ईवा कनोला ऐं बनस्पति की तमामु बहितरीन आहे, जंहिंमें ठाहियूं पिया खाधा तमामु मज़ेदार। अॼु जेको मां ठाहियां पियो लज़ानिया, उन में असां ईवा कनोला कुकिंग ऑयल यूज़ कयो आहे। अच्छा, यहाँ पे चिकन को हल्का सा भून लिया मैंने, जब तक ब्रेक पे चले गए थे तो मैं इसको भूनता रहा, चिकन का कच्चापन खत्म हो गया, इसको कवर करने की जरूरत नहीं थी, चिकन का कीमा फौरन तैयार हो जाता है, ठीक आहे। हाणे छा कंदासीं, इनमें विझंदासीं मसाला, मसालनि में छा वेंदो, 1 चांहि जो चमचो लूणु, 1 चांहि का चम्मच नॉर्मल नमक, 1 चांहि का चम्मच भर के डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चांहि जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च, और 1/2 चांहि का चम्मच भर के डालेंगे इसमें कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 चांहि जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च कारा मिर्च, 1 चांहि जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च, ठीक आहे, 1 चांहि जो चमचो लूणु ऐं ओरिगानो हिन में वेंदो, ओरिगानो मिल जाता है ये 1/2 टीस्पून डालूंगा, ठीक है। अगर ओरिगानो नहीं है तो ना डालें, है तो ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा था। ओरिगानो डालने के बाद गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून जाएगा, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें क्या करना है, इसको भूनना है, फिर हरी मिर्चें चॉप की हुई 2 अदद डाल दें, ठीक है, हरी मिर्चें चॉप की हुई 2 अदद हरी मिर्चें
चॉप की हुई डाल दी हरी मिर्चें। फीकी हैं तो मैं इसलिए तीन डाल रहा हूँ, तेज़ वाली हो तो दो डालिएगा, फीकी वाली हैं जैसे मोटी वाली तो तीन डाल दें, ठीक है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर हरी मिर्चें आप ना डालें, लेकिन मैं डाल रहा हूँ। ये हो गया, ठीक है, इसको हल्का सा भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे केचप हाफ कप, आधे कप टोमेटो केचप प्लेन वालों, ठीक है, टोमेटो केचप प्लेन ये डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करें, दो मिनट हल्का सा भूने, मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए, ठीक है, मसालन जो कच्चापन खत्म थी ने। अब क्या करेंगे, जब ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि केचप जलना शुरू हो जाएगा, शिमला मिर्च दो अदद ऑमलेट की तरह चॉप की हुई, शिमला मिर्च दो अदद ऑमलेट की तरह चॉप की हुई इसके अंदर चली गई, शिमला मिर्च ऑमलेट की तरह चॉप की हुई दो अदद डाली, इसको मिक्स करें दो से चार मिनट बाद। दो से चार मिनट बाद हमने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना है क्योंकि बेकिंग में भी शिमला मिर्च नरम हो जाएगी, ठीक है। दो मिनट शिमला मिर्च में भुंजण खां पोइ चूल्हो बंदि करे छॾंदासीं। रेसिपी रिपीट कराइण पोइ हुनखां पोइ असां सॉस ठाहींदासीं। चार खण जा चमचा ईवा कनोला कुकिंग ऑयल खयो, गरम कयो, हुन में ॿ गंढ बसर जी ऑमलेट वांगुरु चॉप करे विधी, ठीकु आहे, हुनखे लाइट हल्को गुलाबी कयो। हुनखां पोइ हिन में अदरक थूम जो पेस्ट विधो ॿ खण जा चमचा, हल्को सो भुंजण खां पोइ ॿ अदद टमाटा ऑमलेट वांगुरु चॉप करे विधा। थोड़ो टमाटा नरम थी वञनि पोइ हिन में चिकन जो कीमो अधु किलो विझी छॾिजो या ॾेढ पाउ बि विझी सघो था, मां अधु किलो विझां पियो ताकी हुनजी लेयर सुठी ठहंदी। चिकन जो कीमो न आहे त बीफ जो कीमो विझिबो, लेकिन उहो टमाटा विझण खां पहिरीं हुनखे भुञे ॻाराए पोइ टमाटा विझिबो, ठीकु आहे। हुनखां पोइ जॾहिं कीमे खे पंज खां अठ मिंट भुञण खां पोइ हिन में कुटियल ॻाढ़ा मिर्च हिकु चांहि जो चमचो, कुटियल कारा मिर्च अधु चांहि जो चमचो, लूणु हिकु चांहि जो चमचो, गरम मसालो पाउडर अधु चांहि जो चमचो, ओरिगानो अधु चांहि जो चमचो विधो, हल्को सो भुञण खां पोइ जंहिं अंदरि टोमेटो केचप अधु कप विधो, हल्को सो वरी हुनखे भुञिजो हिकु मिंट। हुनखां पोइ ॿ अदद शिमला मिर्च ऑमलेट वांगुरु चॉप करे विधा, ॿ टे मिंट भुञण खां पोइ चूल्हो बंदि करे छॾंदासीं। ऐं सावा मिर्च बि ॿ विधा, अगरि ॿार ऑप्शनल आहिनि सावा मिर्च न विझणु चाहियो त न विझिजो, ॿारनि जे हिसाब सां, ठीकु आहे। चिकन खे रेसिपी रिपीट करण, फोर टेबल स्पून ईवा कनोला कुकिंग ऑयल गरम किया, उसमें दो अदद ऑमलेट चॉप करके प्याज कर लें, लाइट सब्जी कलर किया, गोल्डन कलर आकर उसके बाद अदरक बाद हमने दो अदर टमाटर चॉप करके डाले, ऑमलेट की तरह चॉप करके हमने डाले, क्या हुआ जी, ठीक है, वो उसमें हमने टमाटर डाले, टमाटर को हल्का सा भूनने के बाद हमने क्या किया, इसमें डाल देने कीमा आधा किलो बिल्कुल बारीक मशीन का कीमा डाल के हल्का सा भूनना है। उसके बाद हमने कुटी हुई लाल मिर्च चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक एक चाय का चम्मच डाला, और गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच डालने के बाद आपने भूनना है। फिर आपने हाफ कप केचप डालना है, केचप डाल के भूनना है, उसके बाद शिमला मिर्च डाल दी, शिमला मिर्च दो अदद ऑमलेट की तरह चॉप करके डाली और इसको भून के साइड में कर दो, ये ठंडा हो जाए। अब हम बनाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए हमें क्या चाहिए, वाइट सॉस के लिए हमें क्या चाहिए, वाइट सॉस के लिए हमें चाहिए दो टेबल स्पून, हम लेंगे इसमें पानी ड्राई कर रहा हूँ इसका, दो टेबल स्पून हम डालेंगे बटर, ठीक है, ॿ खण जा चमचा मखण विंदो, ॿ खण जा चमचा मैदो, ठीक है, दो टेबल स्पून बटर चला गया भर के, ठीक है। बटर डालने के बाद आपने क्या करना है, दो टेबल स्पून इसमें मैदा डालना है और हल्की आंच पे इसको आपने भूनना है, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बटर हल्का सा नरम हो जाए, मेल्ट होने लगेगा मक्खन, ॿ खण जा चमचा जी। रुखसाना ज़ैदी हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। और माशाल्लाह ये जो आपने चिकन बनाई है भी इतना अच्छा लग रहा है, आपने उसके अंदर स्पाइसेस भी डाले और जो हरी मिर्चों का ये कम्बिनेशन, सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। और आपने वो जो खाउसे बनाए थे वो भी इतने जबरदस्त थे, आपने ट्राई किया जी? खाउसे ट्राई किया आपने? अभी ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन मैंने लिख के रख लिया है, बहुत अच्छा लगा था। और आपने जिस स्टाइल से उसको सर्व किया था, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, जरूर कीजिएगा। और इसी किस्म की डिशेस जैसे कि खाउसे थे, इसी टाइप की दूसरे मुल्कों की भी डिशेस सिखाइए आप, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, ठीक है ना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे हमने बटर लिया दो खाने के चम्मच, उसमें मैंने मैदा डाला दो खाने के चम्मच, हल्का सा इसको भून लेना है, ठीक है।
सड़े ना ही दिसो इन तरीके से ही जगह छड़ो मखण बखण जा चमचा मैदो इनमें बखण जा चमचा विझी इनके भुंजनो हलवे वांगर थी वो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल हल्की आंच करके हमने इसमें दूध डालना है, ढाई कप जितना, ठीक है, दो से ढाई कप दूध डालना है। पहले दूध थोड़ा डालेंगे, आधा ढाई कप जितरो खीर खणंदो। विस्क ले लें फेंटने के लिए, इससे लम्स नहीं बनते, ठीक है, ये खड़ी वो इनका गंढा ना ठंडा ही चंगी तरह मिक्सअप थी, अच्छी तरह इसको बीट करें, अच्छे से इसका लम्स खत्म हो जाए, ये गाढ़ा सा सॉस बन जाएगा, खुद ब खुद ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वाइट सॉस बनेगा। हल्की आंच पे इसको पकाते रहें, अच्छी तरह बीट करते रहें, पूरे इसका दाना ख़त्म करना है हमने, गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, खुद ब खुद फिर गाढ़ा सॉस बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वाइट सॉस बनेगा। हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे करेंगी तो ये जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने ढाई कप आपने दूध ले लेना है, ठंडा होना चाहिए, गर्म उबला हुआ दूध ना हो, नीम गर्म हो, बहुत अभी ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, ठीक है, वाइट सॉस बनेगा। चंगी तरह इनके मिक्स करना से फिर आधा दूध और डाल दूँगा इसमें, ठीक है। अब इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा सा वाइट सॉस बन जाए, ठीक है। इसमें 4 टेस्ट सॉल्ट डालेंगे, 2 से 3 पिंच 1/4 टेबल स्पून लून, 1/2 टीस्पून कारा मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/4 टीस्पून जितना सॉल्ट डाला, इसको अच्छी तरह पकाएं, ठीक है, ताकि ये गाढ़ा सॉस बनना शुरू हो जाएगा। साइड्स नहीं लगने चाहिए, 3-4 मिनट में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर फिर इसमें हम चीज़ ऐड करेंगे, चीज़ कश की भी है और ये स्ट्रिप्स जो है मैंने पानी में डिप करके रखी, इससे क्या होता है चिपकती नहीं है, ठीक है। अब ये खुद ब खुद गाढ़ा शुरू हो गया होना, अच्छी तरह इसके लम्स ख़त्म करने, कंसिस्टेंसी चेक करें आपकी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो, बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो। ये देखें वाइट सॉस हमारा हो गया तैयार, चूल्हा बंद करूँगा, ये खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल रबड़ की तरह ना हो, ठीक है, वाइट सॉस तैयार हो गया। अब हम लज़ानिया की जी, इसमें हमने ऑयल ग्रीस कर लेना है, 1 टेबल स्पून ऑयल लगाए ग्रीस करे जो हाथ से। जी कॉल बैठो तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। जी प्रोग्राम देख रही हैं, कोई फरमाइश है आपकी? नहीं प्रोग्राम इसलिए नहीं देखे, सिम टीवी आ ही नहीं रहा। थोड़ा लाउडली बोलिएगा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैं कह रही हूँ सिम टीवी नहीं आ रहा, इसलिए मुझे पता ही नहीं आप क्या, कौन से सिटी से बात कर रही हैं आप? मैं सारा सक्कर, सारा सारा, अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, सिम टीवी नहीं आ रहा सक्कर में? नहीं बस यहाँ पता नहीं है वो खराब हो रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ना पिक्चर आ रही है। केबल वाले से सारा बात करें ना तो वो केबल में भी मसला हो जाता है, बार दफा चेंज कर देते हैं। नहीं उन्होंने जो है ना लास्ट में सारा सिंधी चैनल दिए हुए हैं, एक भी नहीं आ रहा है ना क्लियर, बिल्कुल कुछ भी नहीं, ना साउंड है और ना पिक्चर आ रही है। ठीक है फिर यहाँ से कहलवा देते हैं, कोई इशू होगा ना तो यहाँ से कहलवा देते हैं। आप बताइए आप क्या बना रहे हैं? वैसे लज़ानिया बना रहा हूँ, बेक कर रहा हूँ। अच्छा लज़ानिया, वो जो अनम ने भी मेरा सारा हाँ, हाँ, अनम ने कहा था, उन्हीं की फरमाइश पे बना रहा हूँ। अच्छा तो आप चिकन लज़ानिया बना रहे हैं या कौन चिकन सा? चिकन में चिकन लज़ानिया हो, ये तो मुझे भी देखना था। ठीक है थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा हमने क्या किया, सबसे पहले जो वाइट सॉस तैयार किया था उसके 2-3 टेबल स्पून लगाने, क्योंकि स्ट्रिप्स क्या होते हैं बाज़ दफ़ा चिपक जाती हैं, जल जाती हैं, तो इससे जलेंगी नहीं। उसके बाद आपने 4 स्ट्रिप्स लेयर में ओवरलैपिंग करके एक दूसरे के ऊपर टच करके आपने बिछा देनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, कीमा जो बनाया था उसकी एक लेयर लगा देनी है इसके ऊपर, ठीक है। कीमे जी एक लेयर अद्ध कीमो विजंदा सीन जमा था हाफ डाल दें। ऑयल का बैलेंस कम रखिएगा, 4 टेबल स्पून सही है, बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा फिर वो ऑयली हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सेट कर दिया पूरा अच्छी तरह, किनारों पे सेट करें चारों तरफ। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर डालना है वाइट सॉस। वाइट सॉस जेको तैयार कहला है घाटो, हाँ ऐसो रखने सा केड़ो घाटो थी, ठीक है, रखने से गाढ़ा हो गया वाइट सॉस, इस तरह आपने ऊपर फैला देना, ठीक है, आधा, ये भी आधा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, वैसे चेडर चीज़ डाली जाती है, मोज़रेला चीज़ हम यूज़ करते हैं, मिला के आप कर सकती हैं, अगर नहीं है तो सिर्फ चेडर चीज़ डालें, ठीक है, कश करके ऊपर से, बल्कि यहाँ पे करके ऊपर से डाल देते हैं। कद्दूकश मोटी वाली करनी है अपने, बारीक वाली नहीं, ठीक है। पूरा एक बार ले लें
तकरीबन 250 ग्राम का होता है और ये भी 250-240 रुपए की ऐसी मिलती है चीज़ें। इसलिए मैं प्राइजेस इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये चीज़ें देखने में लगता है बहुत एक्सपेंसिव होंगी, इतनी नहीं होंगी, यहाँ पे बन रही हैं पाकिस्तान में भी हमारे। ये आपने पूरी इसके ऊपर चीज़ की लेयर डाल देनी है, ठीक है। अच्छा, चीज़ हमेशा ठंडी करके कश करेंगी तो अच्छी होगी। अभी थोड़ी निकल गई है बाहर तो इसलिए सॉफ्ट होने लगी है, जितनी ठंडी होगी इतनी अच्छी कश होगी। हाफ ब्लॉक आपने इसके ऊपर पूरा डाल देना है, ठीक है। अगर कश नहीं हो पा रही तो स्लाइसेस करके भी आपने फैला के रख दें। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन स्ट्रिप्स डालेंगे, इनका बोवरी पानी में कटी स्ट्रिप्स जे मथा छो अगर बढ़ी थी इनके तो साइड्स कट्टे बढ़ जाओ, ठीक है। पानी से निकाल के स्ट्रिप्स थोड़ा सा मैं फोल्ड कर रहा हूँ, साइड से ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, खा लेते हैं इंसान, ज़ाया करना सही नहीं है। चार स्ट्रिप्स आ जाएंगी, ठीक है। सेट करें, पानी से निकाल के फोल्ड कर दें या काट के निकाल दें या फोल्ड कर दें, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, कीमा जो बाकी था हाफ डाल देना, ओवन प्री हीटेड पहले से किया हुआ, कीमा पूरा फैला के डालें, अच्छी तरह सेट करें, ठीक है। स्पून से अच्छी तरह सेट कर दें कीमे को ताकि चारों तरफ कीमे की लेयर बराबर हो, ठीक है। कीमो तां सेट करे छोड़ो चंगी तरह चारों तरफ, कितने घट अधिक ना हो जाए, कोई एकड़ी लेयर हो जाने खपे सजे कीमे जे इन का पोए सजो लई वियो। हाने वाइट सॉस पूरा वाइट सॉस उतार दें, इसको आपने इस तरह मिला देना। अच्छा, मैं मुझे मोल्ड थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं बस ये दो लेयर्स में रख रहा हूँ, तीसरी लेयर नहीं डाल रहा हूँ। आपके ये डीप ज़्यादा होगी तो आप थर्ड लेयर भी कर सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर जितनी चीज़ है ये कश करके डालना है, ठीक है। हाँ, मैं सिर्फ ब लेयर लगाई हुई मां वधीक इनके छाकाणि त सांचो जेको आहे डीप में घटि आहे त मूंखे लॻे पियो पोइ ॿाहिरि अची वेंदो त हिन करे मां बस मथां वारी लेयर न पियो लॻायां। अच्छी तरह पूरा चीज़ कश कर लें, पूरा एक ब्लॉक चेडर ले लें वो बेस्ट है, मोज़रेला सिर्फ अकेली नहीं डाली जाती, ठीक है। इसको हाथ से करूँ क्योंकि सॉफ्ट हो गई है, खुद ही मेल्ट हो जाएगी, फैल जाएगी। बाकी जो कश की हुई है ऊपर फैला दें, अच्छी तरह फैला के डालें, चीज़ जितनी ज़्यादा होगी उतना ये अच्छा बनेगा, बेक होगा, ठीक है। सारी चीज़ प्लेट से निकाल के आखिर में हल्का सा ओरिगानो और कुटी हुई लाल मिर्च, ओरिगानो बिल्कुल हाफ टी स्पून जितना या उससे भी कम और से स्प्रिंकल कर दें, ओरिगानो भी छोड़ो, कुटियल गाढ़ा मिर्च हथ का थोड़ा सा मथा बस, ठीक है। यो विझण का पोए इनके मां बेक क्या तो ओवन में, पतीले का तरीका बता देता हूँ। पतीले में हमने क्या करना है, पतीला गर्म करना है, उसमें नमक बिछा के पूरा पैकेट नमक का डाल दें, बड़ा पतीला होना चाहिए। उसके नीचे स्टैंड अंदर स्टैंड रख दें, छोटे जो स्टैंड होते हैं पतीले रखने वाले स्टील के वो रख दें उसके ऊपर, वो अच्छी तरह गर्म करें। जब आप देखें नमक से धुआं निकल रहा गर्म हो गया, फिर आपने मोल्ड अंदर रखना है और पतीले को ढक्कन देके मीडियम फ्लेम पे पकने दें। जब आप देखेंगे लेयर आप बिल्कुल वो मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल आपको लगेगा इसमें से खुशबू आ रही है, अरोमा आ रहा है, तो फिर आप इसको निकाल लें। कलर हम इसको नहीं दे सकते, ओवन में इसको कलर आता है ब्राउन, पतीले में हम कलर नहीं दे सकते। जी अदी शाजियान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदा, छा हाल है नदी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दा ठीक आया, ता दा ता की आयो? बिल्कुल दुआओं ता जो हां रेसिपी दिसु दा ता तमाम बेहतरीन बैठा हो लज़ानिया। जी जी हां दा मुखे इंतजार हो ता ता अनार जो शरबत खाइंदा हो अज ठाया पियो ठायो दादा अनाउंस ना करो तो कयो मैं कयो शुरू में। अच्छा हां तो मुखा मिस थी वियो न मुखे इंतजार हो इलाही मां ता के चयो न संडे वाले दिन ठाइंदा से। जी बिल्कुल ता अनाउंस ना कर शायद मु लेट सा खोलियो या चैनल चेंज किया हां मैं भी अगिया पुटिया थी हो जाए आई नेक्स्ट वीक भी ठाइंदा मैं जी 3-4 रेसिपीज इन अनार जो ना ड्रिंक्स डिफरेंट डिफरेंट आइन तो ठाइंदा सी अदा ग्रेपफ्रूट जो भी कुछ बताए जो ग्रेपफ्रूट जो तो जूस असा ये नथा ठाई सकू उन जी तो मशीन वही हुंदी है जको कीनू वाली हुंदी है बाकी ग्रेपफ्रूट के तो मां छागंदो खोले उन जी खले लाई कारो नो लगाई ही खाइंदा हां दा सामी ये कने पर अम्मा वाली जोनी थोड़ा डिफरेंट भी कजेस ना ता ये करे सगोता के ग्रेपफ्रूट के छिले उन जा बीज कडी
मथां भाक जी जेका लेयर हूंदी आहे न उहो हुन मां गूदो कढी वठो काफ़ी सारो हिकु ग्लास जेतिरो, ठीकु आहे। जूसर मशीन में विझो, हुन में बर्फ़ विझो हिकु कप जेतिरी, ठीकु आहे। पाणी न विझिजो, ॿ कप जेतिरो हे हुजे ग्रेपफ्रूट, ॿ खां टे कप, हिकु कप बर्फ़, थोरो कारो लूणु ऐं पुदीने जा चार पंज पत्ता विझी हुनखे ब्लेंड कंदो, ज़बरदस्त तव्हांजी ड्रिंक ठही वेंदी। अच्छा त ज़बरदस्त दादा। ॿियो वरी मुंहिंजो इहो त तव्हां बेकिंग बि कयो न, हाणे वरी बेकिंग स्टार्ट कई आहे न, हुन ॾींहुं पिज़्ज़ा ठाहियो, हाणे हे हाणे बिस्किट्स ठाहींदासीं ऐं केक बि ठाहिणा आहिनि। जी बिल्कुलु अदा, बिस्किटनि जो त मूंखे बि इंतज़ारु आहे, त को डिफरेंट मतिलबु तरीक़े जा बिस्किट ठाहिजो। ऐं अदा मां इहे ठाहियो जेके तव्हां हुन रिज़ल्टो ठाहियो न, मोतबजन इहो ठाहियो, सही ठहियो। हा त ज़बरदस्त ठहियो अदा। असां न उहो वरी चाश पचाए करे विझंदा आहिनि चवनि, हुनजी तव्हां खीर में पचाई न चाश, इहो मूंखे ॾाढो सुठो लॻो। मां चयो मां बि ईअं थी पचायां, खीर में सुठो ज़ाइको अची थो वञे न। हा त बिल्कुलु ज़बरदस्त ज़ाइको आयो, डिफरेंट अचे थो। पाणी में मूंखे बि ईअं ई डिफरेंट, पाणी में न चांवर सख़्त थी वेंदा आहिनि, चाश जेको हूंदी आहे बिल्कुलु। त मूंखे थोरो डपु पियो लॻो त अलाए कीअं थियनि, पर माशाल्लाह ज़बरदस्त सुठो थी वियो। मां तव्हांखे पिक बि मोकिली हुई। अच्छा अच्छा, हलो सुठी ॻाल्हि, मां ॾिसंदमि, ठीकु आहे। हा दादा, थैंक यू, ओके, लाफ़ीज़। अच्छा लज़ानिया हमारा बेक होने चला गया है, ठीक है। पतीले जो बुधाई तो छा, लज़ानिया जो पतीले ला वड़ो पतीलो खणो, हन में एक पैकेट पूरो तहां लूण जो खोले विझी छड़ो, ठीक है। जे पैकेट मिलन उनके गरम कयो, लूण के चंगी तरह जड़े गरम थिन, उनमें स्टीम अचन लगंदी। स्टैंड हुंदो जे मथा सा पतीलो खीर वारो रखंदा आयो, कोई भी अड़ो स्टैंड हुजे अंदर रखी छड़ो, पतीले में पतीलो थोड़ो वड़ो हुजे, स्टैंड रखी उनके मथा यो सांचो रखजो। यो आए केक आए कोई भी शे बेक कयो पे पिज़्ज़ा है, अंदर हुनखे रखी ऐं पतीले खे ढके ॾेई छॾिजो मीडियम दरमियानी बाहि ते, वधीक तेज़ बि न हुजे वधीक हल्की बि न हुजे। हुनखे बेक थियणु ॾियो, टाइमिंग चेक कजो अधु कलाक खां पोइ। केक हिते 25-30 मिंट में थी वेंदो, हुते 40-50 मिंट लॻी सघंदा, जीअं पिज़्ज़ा हिते 25-30-40 मिंट में थिए थो, हुते 60 मिंट लॻी सघंदा। बसि चेक कजो छुरी जी नोक सां, चेक कंदा कयो केक खे, ऐं बाक़ी लज़ानिया तव्हां ॾिसंदो जॾहिं सफ़ा मेल्ट थी वेंदो, ख़ुशबू अचणु लॻंदी, थोरो हुन मां धूओ निकिरणु लॻंदो, सड़े न, बसि पोइ तव्हां कढी वठिजो। लज़ानिया खे कलर न ईंदो, छाकाणि त ओवन में मथां कलर ईंदो आहे, हिन में ग्रिल हूंदी आहे त हिन में कलर नथो अची सघे, ठीकु आहे। हिनखे मां चेक कंदो रहंदुमि गॾु गॾु, छाकाणि त हीअ असांखे टेम्परेचर हिन जो मां रखियो आहे 180 डिग्री, ठीकु आहे, प्री हीट कयल आहे 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री ते। टाइमर सेट करे छॾिजो जो 40 मिंटनि ते, डबल ग्रिल ऑन कयल आहे, फैन वारो आहे त हीउ फुटायल आहे, हिन में फैन लॻल आहे, त हीउ बेस्ट आहे। अगरि फैन वारो न आहे त तव्हां बग़ैर फैन जे बि करे सघो था, लेकिन चेक कंदा रहिजो, बाज़ दफ़ा ओवन जो टेम्परेचर आउट थींदो आहे। कुकिंग रेंज जेको असां यूज़ कंदा आहियूं, हिन टाइप जा चुल्हा हूंदा आहिनि घर में, जीअं लॻो पियो आहे, जे हेठि बि ओवन हूंदो आहे घर में, गैस ओवन हूंदो आहे, त हुन में बि तव्हां 180 ऐं 200 ते तव्हां बर्नर हुनजो ऑन करे छॾिजो। डबल बर्नर ऑन त नथो थिए, लेकिन पहिरीं हेठि बेक कजो, आख़िरि में 5 मिंट लाइ मथे वारो हेठि वारो बंदि करे, मथे वारो बर्नर ऑन करे मथां ग्रिल में कलर ॾिजो, जॾहिं हुनजो गोल्डन कलर अचणु लॻे त फौरन कढी वठिजो, ठीकु आहे। इसमें मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट करके ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट किया और इसको मैंने रख दिया। टाइमर लगा दें 25-20 मिनट में ये बेक हो जाएगा, ज़्यादा 30 मिनट भी लग सकता है, लेकिन ये फास्ट है, फुटाइल का है तो बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी, जल्दी हो जाता है। और अगर हमारे पास ये वाला कुकिंग रेंज, जैसे घर में हम ओवन यूँ घर में अक्सर होते हैं, नीचे चूल्हे के ओवन बना होता है जो गैस से हम ऑन करते हैं, तो उसको आपने गर्म करके 180 डिग्री पे आपने उसी तरह वो कर देना है। और उसके बाद ऊपर का बर्नर जब आप देखें लज़ानिया आपका तैयार हो गया, तो फिर ऊपर का बर्नर ऑन करके उसको कलर देते हैं, 4-5 मिनट में ऊपर गोल्डन कलर आ जाएगा, लज़ानिया निकाल के फिर आप सर्व करें। ईवा कुकिंग ऑयल के साथ हम बना रहे हैं खाने, ईवा कुकिंग ऑयल बेहतरीन कुकिंग ऑयल है, ईवा कनोला कुकिंग ऑयल और ईवा सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, इनके वनस्पति घी भी बहुत बेहतरीन है, हर जगह अवेलेबल है, लो कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिजीज को कंट्रोल करता है, ओमेगा 3 इसमें मौजूद है, लें हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। हाँ असं ठाईंदी रेसिपी में रिपीट कराई छी है 2-3 दफ़ा, हाँ असंदी हाँ असंदी शरबत, ठीक है। छाजो शरबत ठाईंदी, डाड़ू जो अनार जो शरबत, अनार ये मुख्य इतने गाढ़ो न मिलो तो ये वाइट ही अच्छो है, इनमें कलर अड़ो है, लेकिन मिठा ही हूँ इन टाइप जो तुम गाढ़ो हो गाढ़ो वो अच्छे जो भी ठाई सो था। पुदीने जो पत्ता वेंदा इनमें 8-10 दद, एक वो डाड़ू खी वो यानी 2 कप जो डाड़ू जो बिज हैं, खंड इनमें वेंदी 2-3 टेबल स्पून, कारो लूण वेंदो, ठीक है। इहो अधु चांहि जो चमचो या 1 चांहि जो चमचो विझी सघो था, जेतिरो तव्हांखे सुठो लॻे, थधो पाणी थोरो सो या बर्फ़ विझी हिनखे ब्लेंड कंदासीं, ठीकु है। अब हम बनाएंगे शरबत अनार का, इसके लिए हमने ब्लेंडर लेना, अनार अच्छे आ रहे हैं बहुत, लाल हो वाइट हो मीठा हो खट्टा हो, तो वो आप जैसा भी उसका जूस बनाएं, बहुत मज़े की ड्रिंक बनती है। इस तरह की और भी ड्रिंक्स हैं, इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा, और अनार का शरबत भी बनता है जो हम बोतल में भर के रख सकते हैं, फिर आप उसको पानी में डिसॉल्व करके यूज़ करें। इधर हमने क्या करना है, अनार ले लेना है 2-2.5 कप अनार, ठीक है, 2-2.5 कप छिला हुआ अनार है,
ठीक है। अनार लिया, इसमें हम डाल देंगे पुदीने के पत्ते वॉश करके अच्छी तरह 8 से 10 अदद, ठीक है, 8 अदद पत्ते बहुत हैं, 8 का 10 अदद पत्ता पुदने जा, पानी का चंगी तरह धोए, पानी का चंगी तरह धोए कंदासी, खंड मुखा किरी पैया का गल ना इतने आए मोट अना भी खंड ब खाने जा चमचा इनमें खंड विंदी, ठीक है, 2 टेबल स्पून चीनी चली जाएगी, बाकी मुझसे गिर गई है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, काला नमक, ठीक है, काला नमक हमने डाल देना है 1/2 टीस्पून, काला नमक 1/2 टीस्पून डालना है, इजीली मिल जाता है, लेके रखें शरबत के लिए, ड्रिंक्स के लिए बहुत अच्छा होता है, घर में होनी चाहिए। ठंडा पानी डालें या आइस क्यूब्स डालें आप इसमें, आइस क्यूब्स हैं तो 1 कप डाल दें, ठंडा पानी भी मैं इसमें 1.5 कप डाल रहा हूँ बस, ज़्यादा नहीं जी। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कह रहे हैं कितना गलाया प्यार, वॉल्यूम थोड़ा जोर से गलाए जो, आवाज़ इलाही घट पे चे तांजी लादा, ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक अदी, कह रहे हैं कितना गलाया प्यार, उमर कोटमा संधिया जी जी, कुछ चेंज चाहिए दो, सीखिए बारे में चाहिए, वो छाजे बारे में फिश फिश भाजी चाहिए, रेसिपी अदी वरी बुधाए जो, तांजी आवाज़ इलाही घट पे, मच्छी 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 इंशाल्लाह अगे हफ्ते ठाइंदम, मथे हफ्ते में मच्छी जी 3-4 रेसिपीज हैं, ता तां दिसो जो नेक्स्ट वीक में आई अदा ताज जे की लज़ानिया ठाइया ने ये सिंधी में चाके बोआ, सिंधी में चाहे चाहे बो, इनके तो लज़ानिया ही चाहे बो, सिंधी में तो म कदी जो नालो बुधियो कोने, तो वो सा किथा मनाई है, मना केड़ी शॉप ते है, मना थोड़ो बुधायो मिल जे, तहां केड़े सिटी में आयो दी, उमरकोट, उमरकोट, उमरकोट तो तमाम सुठो शहर है, मैं दिसी आयो ताजो उते भी मिली विंदो, उते स्टोर्स में ता चाहिजो लज़ानिया जी पट्टियों डई छडो, लज़ानिया आई ब्रो भी चावर विदो ओरिगानो अलाई छा, ओरिगानो भी उते मिली विंदो ताके छकन, त मा जडे के सिटी में विंदो आ त मा सजो घुमनो ही भी दिसनो है के उते केडी केडी शयूं अवेलेबल है, त ये शयूं आ हे होते आई चीज दा पिज़्ज़ा वाली विदो, अगर ओरिगानो न मिले त ना विजी जों जे जरूर बगैर भी थी विंदो आ, अच्छा आई दा पिज़्ज़ा चीज वाली विदी जी, अदी पिज़्ज़ा जे की कौन चीज विदी वी चीज, हाँ जी चीज चीज कौन दावी दी इनमें वो पिज़्ज़ा में जेकी विज भी आवा सेम है, वही सेम है बिल्कुल चेडर चीज, अच्छा ठीक है चलो, अगर है नथी मिले ब्लॉक वाली तो स्लाइस वाली मिले तो स्लाइस भी रखी सको ता इनमें, ठीक है ना ना पिज़्ज़ा वाली ते मिली विंदी, हेलो ठीक है, पोता के ओरिगानो भी मिली विंदो और स्ट्रिप्स भी मिली विंदी, ठीक है अच्छा, आई लास्ट में भी ता में जेकी बेकिंग कई वे उनमें थोड़ो कुछ विदो और इन गानो का पो वो छा विदो, कुटियल गाड़ा, कुटियल गाड़ा मिर्च थोड़ा सा विझणा है, अच्छा थैंक यू अदा, थैंक यू अलाफ, थैंक यू, अच्छा ब्रेक जो टाइम थी पियो, ठीक है ब्रेक का पोचे ये ड्रिंक ठायो ता लज़ानिया से तैयार थी, तो एकड़े दफा रेसिपी मैं वरी रिपीट कर, ब्रेक में खपे ही मुझे रेसिपी टाइम पर ईवा कुकिंग ऑयल से विटामिन ए एंड डी का भरपूर कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल बेहतरीन कुकिंग ऑयल इनमें ओमेगा 3 मौजूद है जो तुम्हें हार्ट डिजीज ला कोलेस्ट्रॉल ला तुम्हें जॉइंट्स पेन ला तमाम बेहतरीन है ईवा कनोला कुकिंग ऑयल इन ईवा सनफ्लावर कुकिंग ऑयल उनसे वनस्पति की नई पैकिंग में दस्याब इतने हाँ ड्रिंक ठाकू पाया इसको हमने करना है ब्लेंड अच्छी तरह अनार का अच्छी तरह इसको ब्लेंड करें अच्छा बहुत से लोग छान के यूज़ करते हैं आप बगैर छने भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है क्योंकि अनार जब हम खाते हैं तो उसका बीज भी हम खाते हैं अच्छी तरह इसको ब्लेंड करें ताकि सब चीज़ें अच्छी से मिक्स हो जाएं ठीक है चंगी तरह इनके ब्लेंड करो 2-2.5 कप डाड़ू जा बिज बर्फ विझी छो 1 कप या थदो यख पानी 1.5 कप जितो विझी इनमें पुदीने जा पत्ता 10 का 12 अदद
या अठ अद वी छो कारो लूण विझी छो अध चाय जो चमचो खंड ब खाण जो चमचा खंड सिर्फ बैलेंस करण लाइ मिठो करण की जरूरत ना तुझो पाँचों ही फ्लेवर खत्म थो ठीक है। उनका पन के चंगी तरह मिक्स किया छाण की जरूरत ना जब बिज वो भी अस खाइंदा डाड़ू जब बिज तो फिटा को खपन तो हे हाज ते पेट ला तमाम बेहतरीन आन ठीक है। लेकिन कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है, खुशबू आ रही है, अरोमा, क्योंकि इसमें हमने पुदीना भी डाला हुआ है, काला नमक भी डाला हुआ है। तो इस तरह ये एक थोड़ा कम हो गया, इसको मैं यहाँ पे बैलेंस करता हूँ। आराम से आपके दो ग्लास बन जाएंगे ठीक है। अगर ज़्यादा बनाना है अपने तो फिर आप उसके हिसाब से बर्फ़ और चीज़ें ज़्यादा कर लें ठीक है। अच्छा इनकी एकड़ी भी शे बताई छा कि डाड़ू जो जो छिलको हों अनार जो वो फिटो ना कंदा कर ठीक है। उनके भी तुम इस्तेमाल कर मोशन वगैरह ला बद हज़मी ला तमाम बेहतरीन है। मां पर्सनली मोड भी शे आ है मुझे ही नानाणन में ही शे इस्तेमाल थी तो असाजे घर भी थी अक्सर छा कजो डाड़ू जब छिलका जो उनके धोए छाणी में रखी छो सुखी वन उस में रखो सफा सुखी वा सफा खल उन सुखी वी उनका कजो उनके पाउडर वागर पीसे छो ठीक है। पाउडर वागर पीसे छो उनके बोतल में भरी रखी छो घर में किचन में किथे भी ठीक है। जैसे पेट खराब थे तो बारन का ब अढ़ाई साल के बार के भी तुम दई सो एक अद चाय जो चमचो जी असके थे तो मोशन थियन था लूज मोशन एकदम थी वन उल्टियों शुरू थी तो एक चाय जो चमचो जो फक्की वागर फाके मथा थोड़ा पानी अद गिलास जितो पानी पियारे वो फौरन 15 मिनट में खत्म थी वा अजमूदा मुझे पाँचों अजमूदा तमाम बेहतरीन है इनकर मैं तक बताया पो ठीक है। ये ज़रूर कजो फिटा ना कजो हिंसा बिज इन जो छिलका तमाम सुठा अचन पा। इसकी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जो हम इसके छिलके अनार के फेंक देते हैं ठीक है उसको फेंके ना, ये मेरी पर्सनल आपको रेसिपी बता रहा हूँ। अनार के छिलके जो हैं उसको आपने क्या करना है वॉश करके छोटे पीसेस जैसे तोड़ के जैसे कीनू के छिलके भी हम सुखाते हैं इस तरह आपने अनार के छिलकों को सुखा देना है ठीक है। धूप में रखें 5-6-8 दिन सूख जाएगा बिल्कुल, या घर में रख दें मलमल का कपड़ा डाल के ताकि मच्छर वगैरह ना बैठे उस पर। उसको आपने सुखा देना है और उसके बाद आपने उसको बिल्कुल जब खुश्क हो जाए सख्त हो जाए उसको छोटे छोटे पीस करके उसको आपने ग्राइंडर में पीस लें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, ये फक्की बन जाती है एक तरीके से ठीक है। इसको आपने बोतल में भर के रख दें बहुत एक साल तक भी ये ख़राब नहीं होगा। इसको आपने बोतल में भर के रख दें उसके बाद आपने क्या करना है जब आप बच्चों को जैसे आपको घर में कुछ हो रहा है हाजमा ख़राब है उल्टियाँ खासकर मोशन लग जाते हैं पानी वाले तो उसमें आपने क्या करना है एक चाय का चम्मच आपने ये डालना है ठीक है मुंह में और उसके बाद पानी पी लें। और छोटा बच्चा 2.5-3 साल का तो उसको आधा चाय का चम्मच डाल के आप पानी के साथ पिला दें फौरन मोशन बंद हो जाते हैं। ये आप करें और ये घर में आप रखें इस तरह करके ठीक है। यहाँ पे लज़ानिया को कलर आ जाए मैंने ऊपर कर दिया ग्रिल को तो इसमें जैसे कलर आ जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे हम इसे निकाल के और इसे हम फिर पीसेस करके सर्व करेंगे ठीक है। बिल्कुल ज़बरदस्त ये रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत अच्छी रेसिपी है। ये ड्रिंक आप बनाएं आप ये 2 ग्लास बने आप जितने ज़्यादा अनार यूज़ करेंगे ठीक है। हाँ जी ये हो गया हमारा लज़ानिया बेक ठीक है। इसका कलर आएगा तो फिर आपने इसको कटिंग करना है ठीक है। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल वाइंड अप पे आ रहा है तो इसलिए मैंने जल्दी निकाला। आप इसको ऊपर से ब्राउन कलर देंगी ठीक है। इनके तां कलर दो पीस इन जो हिं थदो करे मां कढा लेकिन टाइम एडो ना है तो मां तांजे सामू इनके कटी वरतो है। ये आपने आराम से फिर इसको ठंडा करके इसके पीसेस करके आपने निकाल देना है ठीक है। सुबह 12 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ असमरा पेज वहीं रेसिपी अपलोड हो जाएगी। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। पांजो खोड़सारो ख्याल रखो इंशाल्लाह अगले हफ्ते काफ़ी सारी वैरायटी से अगर तुम मुलाकात थे दुआओं में याद रखो इंशाल्लाह बड़ी मुलाकात है तेज ताई अल्लाह हाफिज। Thank you.